से कहना था। तुम तो राबी से भी दो हाथ आगे निकली, तुमने भी क्या खानदान का मुंह काला करवाना है? जब से मंगनी हुई है अम्मी बाबा ने मुझे कॉलेज जाने से रोक दिया है। ओह, अच्छा तुम इस वजह से कॉलेज नहीं जा रही? भाई अगर दो महीने के बाद एग्जाम्स हैं तो एग्जाम तो देने चाहिए। हेलो, कैसी लगी तस्वीरें आपको? बहुत अच्छी। स्पेशली वो जिसमें हम दोनों साथ हैं। जी नहीं, जिसमें रामीन है साथ वो वाली ज्यादा अच्छी है। अच्छा प्लीज अब जल्दी से अपने घर वालों से बात करो, मैंने वापस जाना है और मैंने सोच लिया है कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। अभी बात नहीं कर सकती, अभी तो मेरी बहन की शादी की तैयारियां हो रही है, जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक मेरी बारी नहीं आएगी। मतलब तुम लंबा इंतजार करवाना चाह रही? अब ऐसे कामों में ऐसा तो होगा। चलो, मोहब्बत की आजमाइश समझकर बर्दाश्त कर लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं फिर बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था जो तुमने मुझे देखते ही बाय बोल दिया? रामीन का था। पिक्चर्स भेजी उसने? हाँ भेजी है, दिखाओ। हाँ ना, ये रामीन का भाई है। हाँ साइम, वही जो उस रात ड्रॉप करने आया था। हाँ, बंदा तो हैंडसम है और तुम्हारे साथ जज भी रहा है, इसका मतलब है कि मेरा शक सही था। मुझे लग रहा था कि मेरी बहन कुछ छोड़ आई है, अब समझ आई कि ये तुम्हारा दिल छोड़ आई है। उफ राबी, मैं तुम्हारा क्या करूं, किस तरह की बातें कर रही हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। और सुनाओ फारिस बेटा, समीना कैसी है? जी जी बिल्कुल ठीक है, आप दोनों को सलाम कह रही थी। जानते हैं आजकल शादी की शॉपिंग में बहुत बिजी है। जाहिर है बेटा, मसरूफ तो होगी वो, भाई शादी की तैयारियां तो आखिरी दम तक सांस नहीं लेने देती। जी अंकल, मैं एक्चुअली अब्दुल से एक बात करना चाह रहा था। हाँ हाँ बेटा करो। बल्कि यही समझे कि छोटी सी रिक्वेस्ट थी। सब खैरियत तो है ना फारिस बेटा? जी जी आंटी सब खैरियत है, मुझे पता चला था राबी के एग्जाम्स करीब हैं, चाहता हूँ आप लोग उसे एग्जाम्स में तो अपीयर होने दें। मैंने मम्मी से इसलिए बात नहीं की कि मैं चाहता हूँ पहले आप लोगों से बात कर लूँ। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें तो पता है यूसरा ऑफिस चली जाती है, शादी के कामों की इतनी तैयारियाँ बाकी हैं, बस इसी वजह से राबी से कहा था कि कुछ दिन के लिए अब कॉलेज ना जाए बस। अरे मैं हूँ ना आंटी आपकी हेल्प कराने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से उसके एग्जाम ज्यादा जरूरी है, उसने पूरा साल मेहनत की होगी। शादी की तारीख भी तो करीब आ रही है बेटा, तो शादी की डेट थोड़ी आगे बढ़ा लेते हैं। आप दोनों क्या सोच रहे हैं? क्या ये आपकी शर्त है बेटा? अरे नॉट एट ऑल अंकल, मैं भला कोई शर्त क्यों रखने लगा आप? मुझे लगता है राबी का हक है, उसने काफी मेहनत की होगी। बेटा तुम अपने अंकल से गपशप लगाओ, मैं किचन का थोड़ा काम देख कर आती हूँ। असल में बेटा राबी की तालीम से ज्यादा हमें अपने फर्ज का एहसास है, इसलिए कह रहे थे। ठीक है, सोचते हैं
फिर तुम्हें बताएंगे। क्यों बेइज्जत कर रही हो तुम हमें? अम्मी ने क्या किया? ये फारिस के इस मुतालबे की वजह तुम्हारी ख्वाहिश है ना, जरूर तुमने उसे फोन करके कहा होगा। अम्मी अगर इतनी बेतबारी है ना मुझ पे, तो फोन क्यों दिया था? रुके मैं आपको अभी फोन वापस करती हूँ, ये ले। ये तुम बात बात पे नौटंकी मत किया करो मेरे साथ। वैसे आपने उससे पूछ लिया था ना कि उससे कैसे पता चला कि मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ? यकीनन कहीं पे उसने मेरी बदनामी का कोई इश्तिहार पढ़ लिया होगा, या फिर रिश्तेदारों के घरों में होने वाली सरगोशियां उसके कानों में जा पहुंची होंगी। खुदा ना करे, क्या ओलफल बकती रहती हो, खुदा ना करे कि कभी ऐसा हो। ऐसा हुआ ना तो उल्टे पांव वापस चला जाएगा। चाहता है तो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं उसकी। हाँ तुम्हें क्या परवाह होगी, तुम्हें परवाह होती तो आज हम ये नदामत के बोझ तले जी रहे होते। अच्छा अब जाए, बाहर जाए, कहीं आपका दामाद नाराज होकर वापस ना चला जाए। राबी तुमने वाकई नहीं बताया? नहीं, मिसेस चौधरी ने बताया होगा ना। मैं जब भी तुमसे बात करता हूँ मुझे लगता है तुम नाखुश हो। बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया आपने, मैं वाकई में खुश नहीं हूँ। क्यों? इतनी जल्दी क्या आपको शादी की? 2 महीने के बाद मेरे एग्जाम्स हैं, मुझे एग्जाम्स तो दे लेने दें। अच्छा तो ये बात, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये मामूली सी बात नहीं है फारिस, लेकिन अगर आप चाहें तो अम्मी बाबा मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। मैंने कब रोका? पहले तुम्हारे घर से बाहर निकलने पे कितनी रसवाई हुई है, अब प्लीज इस बारे में कोई जिद मत करो। मैंने कोई जिद नहीं की है, तुम्हारा चहीता फारिस खुद आया था अम्मी बाबा से कहने। मेरा चहीता? राबी प्लीज खुदा के लिए कुछ सोच समझ कर बोला करो। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, तुम्हारे लिए भी वो किसी कोहकाफ के शहजादे से कम नहीं है। हाँ क्योंकि वो हमारे लिए गैबी मदद बन के आया है, तुम्हें इस माहौल से निकाल कर अपनी हस्ती बस्ती दुनिया में ले जाएगा, और क्या चाहिए तुम्हें। मैंने कदर नहीं की, तुम सबने कहा तो मैंने सर झुका लिया, उसके नाम की अंगूठी भी पहन ली। जब दुल्हन बना के लेके जाएगा ना, तब भी सर झुका के चली जाऊंगी। मुतालबे वो करता है, कठेरे में खड़ा तुम सब मुझे कर देते हो। बाबा ने उसके मुतालबे मानने से इनकार कर दिया है, उन्होंने कहा है कि जब तक शादी नहीं होती वो कोई बात नहीं मानेंगे उनकी। बाद में बेशक वो तुम्हें पढ़ाता रहे लेकिन अभी नहीं। बाबा से कहो कि मेरा हाथ पकड़ के छोड़ आए मुझे, अच्छा है ना, सबका मसला हल हो जाएगा। युसरा समझा लो इसे, वरना इसकी जबान काट के रख दूंगी मैं। अम्मी आप बेफिक्र रहें, ये अब जिद नहीं करेगी। मसला मेरी जिद का नहीं है, मसला फारिस की जिद का है। तुम सब लोग समझते हो कि मुझे उसकी कदर नहीं है, हालांकि उसको तुम सब की कदर नहीं है। अच्छा हमें कदर नहीं है, हमें और क्या, वो पढ़ा लिखा है, उसका स्टेटस है, उसे पहले ये ख्याल नहीं आया, अब उसे अचानक से ख्याल आ गया कि कल को कोई पूछ बैठा कि उसकी बीवी कितनी पढ़ी लिखी है तो वो क्या जवाब देगा, इसलिए वो आया था ताकि अपनी शर्मिंदगी दूर कर सके। तुम फिक्र मत करो, उसे जवाब देकर हम मुतमईन कर लेंगे, समझी? मैं तो ये सोचता हूं कि अगर हम फारिस की बात नहीं मानते तो वो ये जरूर सोचेगा कि आखिर इसकी वजह क्या है, और डर तो इस बात का है कि कहीं वो वजह जान ही ना ले। चाहे कुछ भी हो, मैं अब राबी को रुखसती से पहले एक कदम भी बाहर नहीं निकालने दूंगी। अम्मी इसमें हर्ज ही क्या है, और वैसे भी राबी की पढ़ाई सिर्फ फारिस की शर्त नहीं बल्कि उसकी जरूरत भी है। अगर 2 महीने में कॉलेज जाने से उसको उसकी डिग्री मिल जाती है तो इसमें बुराई क्या है? यसरा राबी इस काबिल नहीं है। जीनत
युसरा की बात पे ध्यान दो, गैरों में जा रही है हमारी बेटी। राबी ने एक कदम भी घर से बाहर निकाला ना तो लोगों की जबानें चलनी शुरू हो जाएंगी। और सच पूछें तो अब मुझमें हिम्मत नहीं है लोगों की बातें सुनने की। अभी उसके आने जाने की फिक्र मत करें आप, उसे मैं अपने साथ लेकर जाया करूंगी और वापसी के लिए कोई वैन या बस लगवा दूंगी, बेफिक्र रहें आप। युसरा लेकिन जीनत, राबी को एक मौका और देना चाहिए। उसने तो खैर हमारे साथ जो करना था वो किया है, लेकिन ऐसा ना हो ना कि वो सारी जिंदगी हम पर यही इल्जाम धरती रहे कि हमने उसे पढ़ाई मुकम्मल नहीं करने दी। अम्मी प्लीज मान जाए, उसके आने जाने की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। यार आपा के जाने के बाद बड़ी बोरियत सी महसूस हो रही है। जब वो होती थी तो उनकी बातें बुरी लगती थी, मतलब अब उनके बगैर ये घर जो है ना बड़ा सुना सुना सा लग रहा है यार। तुम्हें कहा तो है कि मेरे घर पे शिफ्ट हो जाओ, क्या जरूरत है वहां अकेले रहने की? तो वहां पर भी तो मैं अकेले ही रहूंगा ना। जाने से पहले बहुत ट्राई किया उन्होंने मेरी शादी करवाना, लड़की भी पसंद करके रखी हुई थी, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है मैंने उनसे। तो कर लेता ना शादी, शादी किसी ना किसी दिन तो करनी है ना, या कवारा रहने का प्रोग्राम है। बड़े जो भी कहते हैं उसमें कोई ना कोई भलाई होती है भाई। अच्छा अब आबा की कमी तुम पूरी करोगे। हे राबी कैसी हो? ठीक हूँ। सब खैरियत है? काफी दिनों से कॉलेज नहीं आई। हाँ हाँ सब ठीक है। अकेली बैठी हो, आज कैफेटेरिया चलते हैं। तुम जाओ मैं आती हूँ। ओके। हेलो। अरे भाई जब बात नहीं करनी तो कॉल क्यों की है? और इस बात की क्या गारंटी है कि मैं बात करूंगी और तुम मुझे पहचान लोगे? अरे राबी तुम ये बताओ कि कहाँ हो तुम? कॉलेज हूँ। बहुत मुश्किलों से मुझे कॉलेज आना अलाउ हुआ है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ यासिर। ठीक है मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ। नहीं आज नहीं, मैं कुछ दिनों में तुम्हें बताती हूँ कि कब लेना। हेलो क्या हुआ? हाँ बोरियत भगाने का इंतजाम हो गया यार। ये लड़कियां भी ना बस कर दे भाई, बहुत हो गया। खैर तू छोड़, मुझे काम है, मैं तुझे रास्ते में ड्रॉप भी कर देता हूँ, फिर तेरी गाड़ी भी ले जाऊंगा। अबे चल ना आजा। अरे मिसेस चौधरी इतना सामान लेके आप कहाँ जा रही थी? मुझे बताया होता मैं पिक कर लेता, लेकिन आपने हमें अपना कहाँ समझा हुआ है? तुम्हारी गाड़ी में बैठी हुई हूँ ना, अगर तुम्हें अपना ना समझती तो कभी भी तुम्हारी गाड़ी में ना बैठती। लेकिन मिसेस चौधरी अपनों का कुछ ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। मुझे सब याद है, I'm just waiting for the right time, ज़राज। ऐसे आपको एक मौका मिला था, आपने वो भी गवा दिया। भाई मुझे ना बताया करो कि कौन सा मौका जो है वो मैंने देखना है और कौन सा नहीं। मैं तुम्हें पहले भी कई दफा कह चुकी हूँ। वैसे कोई खबर भी है आपको? किस बात की खबर? राबी ने दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। भाई अल्लाह ये लड़की ना, शी इज गोइंग टू रूइन माय डे। तो ऐसे करो कि गाड़ी वापस करवाओ। क्यों ये सामान घर पे ड्रॉप कर लेते हैं? हाँ ये भी तुम सही कह रहे हो, ठीक है पहले मुझे घर ले चुको, मैं वहां जाके सामान ड्रॉप करती हूँ और उसके बाद मिसेज अय्यूब के घर मुझे ड्रॉप कर दो। कर दोगे ना? श्योर श्योर, ये भी कोई बात हुई, व्हाई नॉट। चल अस्सलाम वालेकुम जीनत। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मिसेस चौधरी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तैयारियां कैसी चल रही हैं? दिन भी बड़े थोड़े रह गए हैं पर काम इतना बड़ा हुआ ना भी करने वाला। राबी है ना, हेल्प कर रही होगी वो तो। अरे कहाँ, उसने तो फिर से कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, इतना कम वक्त होता है उसके पास। शादी में इतने थोड़े दिन रह गए, कॉलेज से छुट्टी लेने के बजाय कॉलेज शुरू कर लिया। उसके एग्जाम्स है ना,
नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था जीनत, मैं तो यू नो आई एम ऑल फॉर बच्चों की एजुकेशन, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि हमारी राबी जरा जज्बाती है ना, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। ओह हेलो मिसेस चौधरी। हेलो बेटा। हमें बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए तो गर्म कर दे। एक्चुअली ये फारिस का ही डिसीजन था। फारिस का? आया था वो यही बताने के लिए मुझे। अच्छा, पहले तो फारिस को शादी की बहुत जल्दी पड़ी हुई थी, हैरत की बात है। हद हो गई, इतनी देर से मैंने पूछा ही नहीं कोई चाय पानी कॉफी क्या लेकर आऊं। चाय पीऊंगी, सर में दर्द हो गई है, बच्चियों की परेशानी हो जाती है ना। मैं लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रामीन नहीं आए? क्यों, आपसे मिलने में अकेला नहीं आ सकता? आ सकते हैं, लेकिन आपको बुरा लगा है ना? नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन अच्छा भी नहीं लगा है ना? आप तो हर बात माइंड कर जाते हैं, और आप नाराज करने का कोई मौका नहीं जाने देती। लेकिन साइम मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे आप नाराज हो। युसरा आपको पता है कि जब कोई मोहब्बत करता है तो उससे बात करने को, उससे मिलने को बहुत दिल करता है, और जब आगे से अच्छा रिस्पांस ना मिले ना तो बहुत हर्ट होता है बंदा। साइम वैसे भी आपको हर्ट होने का बहुत शौक है। ठीक है तो फिर आज मैं आपको घर ड्रॉप करूंगा। अब अगर मैं नहीं जाऊंगी तो आप फिर से कहेंगे कि मैंने आपको हर्ट किया है, तो इसलिए चलिए। आज मैं इतना खुश हूं कि अगर आप मुझे चांद पर भी चलने को कहें तो मैं आपको चांद पर भी ले जाऊंगा। अब आप यकीनन ये कहेंगे कि तारे तोड़कर मेरे दामन में भी भर देंगे। तारों का तो नहीं पता, लेकिन आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां भर सकता हूं कि आप खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझेंगे। मैं अब भी अपने आप को खुशकिस्मत तरीन ही समझती हूँ साहिल। युसरा आप खुद कहती हैं कि मोहब्बत सच का रास्ता है, फिर आप इस ताल्लुक को छुपाना क्यों चाहती हैं? हर ताल्लुक हर रिश्ते को इंट्रोड्यूस करवाने का एक तरीका होता है साइन, जिससे दूसरों की नजरों में रिस्पेक्ट बढ़ती है। और बाय द वे ये तरीका कब इस्तेमाल करेंगी आप? बस राबी की शादी हो जाए फिर मैं आपके बारे में घर पे बता दूंगी। बहुत सख्त शरारत है आपकी, फोन पर बात नहीं कर सकती, बाहर मिलने नहीं आ सकती, अभी अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती, ये कैसी मोहब्बत है युसरा? ये मोहब्बत आपकी है साइम और मैं इसकी कदर करती हूँ। सच्ची मोहब्बत यकदम नहीं हो जाती, थोड़ा वक्त लगता है किसी दूसरे के दिल में घर करते हुए। बिन कहे सुनो यारा, हमने तो यूं ही फारिस से तो मुझसे कोई ऐसी बात शेयर नहीं की। भाई समीना, अब राबी के पेरेंट्स तो गलत बयानी से काम नहीं लेंगे ना। मिसेस चौधरी मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा चलो बस, ऐसे करो एग्जाम्स के बाद की कोई डेट सोच लो। आई डोंट अंडरस्टैंड, मिसेस अयूब ने तो मुझसे यही कहा था कि राबी शादी के कामों में हाथ बटा रही है, कॉलेज से उसने ऑफ ले लिया है। उनका इरादा तो यही था, लेकिन फारिस ने शर्त रख दी ना। शर्त? कैसी शर्त? भाई समीना शर्त ही हुई ना, अब अगर लड़का शादी से पहले लड़की वालों के घर चला जाएगा तो वो तो यही कहेंगे ना। देखो अब जब हमने डेट फिक्स कर दी थी, एक डेट फिक्स हो चुकी थी, तो क्या जरूरत थी वहां जाने की? मुनासिब तो नहीं लगता ना उसका वहां जाना। आने दे उसे। I'm going to have a serious discussion with him. हाँ, और समीना उसे ये भी कह देना कि तुम्हें भी कॉन्फिडेंस में ले लिया करे, आफ्टर ऑल यू आर हिज मदर, कोई भी फैसला करने से पहले तुम्हें मुझे बता तो देना।
हेलो। हाँ जी। नहीं नहीं वो तो डन हो गया। हाँ नहीं उस लड़की की तो होगी बात पक्की। नहीं नहीं आधे पैसों में काम किया है मैंने, कंसेशन लाख रुपए लिए सिर्फ। मैं तो बहुत ज्यादा पैसे लेती हूँ। चले इनाम की बात फिर करेंगे। I'm a little busy. हाँ ओके बाय बाय। मुझे पता था कि तुम मुझे कभी नहीं भूल सकती। हमारे बीच में जो कुछ भी था सब खत्म। It's over. पागल हो गई हो क्या? हाँ हो गई हूँ मैं पागल। तुम्हारी इन हरकतों ने पागल कर दिया मुझे। और तुम क्या समझ रहे थे मैं फिर से तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? मैं तो यहाँ आई इसलिए थी ताकि तुम्हारे और मेरे किसे को खत्म कर सकूं। तुम करना क्या चाहती हो? मार दूंगी तुम्हें भी और खुद को भी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गई हो तुम? हाँ हो गया मैं दिमाग खराब। तुम्हारी बेवफाई ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। अगर मैं बेवफा होता तुम्हारे बुलाने पर हरगिज यहाँ नहीं आता। तुम्हें लगता है कि मैं बेवफा हूँ? तो ठीक है अपनी वफा को साबित करने के लिए मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे माँ बाप के पास जाता हूँ, तुम्हारा हाथ मांग लेता हूँ। तुम क्यों? तुम्हारे माँ बाप क्यों नहीं? तुम्हें शादी मुझसे करनी है ना, तो माँ बाप को छोड़ो। इसका मतलब है तुमने अभी तक अपने माँ बाप से मेरे बारे में बात नहीं की। अरे बात की थी उनके अब्रॉड जाने से पहले और हमारे रिश्ते के लिए वो मान भी गए थे। क्योंकि तुम्हारी बहन ने जो बिजली गिराई है ना, मैं उनकी बेइज्जती नहीं करवा सकता था। मेरी बहन ने? वो क्या कह सकती है? यही कि ये शादी तुम अपनी मर्जी से कर रही हो और अब तुम मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती हो। ऐसी बात नहीं है, गलत कह रहे हो तुम। मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो तुम्हारी बहन ने मुझे ऑफिस क्यों बुलाया? किस बात का इंतकाम लेना चाह रही हो मुझसे? ऑफिस में बुलाया था? सिर्फ ऑफिस नहीं बुलाया बल्कि मेरी इंसल्ट भी की है। मुझे कहने लगी कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो और मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं। मैंने उसके सामने हाथ भी छोड़े कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। और अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती बताओ? मुझे यकीन नहीं आ रहा दूसरा ऐसा क्यों करेगी। देखो अभी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता। देखो अभी हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा अगर हमें एक साथ जिंदगी गुजारनी है। प्लीज अस्सलाम। वालेकुम सलाम। खाना लगा दूं? लंच कर लिया था ऑफिस में, बस डिनर करूंगा आपके साथ, चेंज कर लेता हूं। श्योर। अगर तुम जरूरी समझते हो। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? नो नथिंग इज ओके। क्या हुआ? व्हाट्स रॉन्ग? Everything is wrong. तुमने मुझे पागल बनाया हुआ था इतने अरसे से। तुम चाहते थे कि तुम्हारी राबी से शादी हो जाए, शादी की तारीख हो जाए। अब जब सब कुछ हो गया है तो तुमने मुझे बताए बगैर शादी डिले कर दी। ये आपसे कैसे कहा? मिसेस चौधरी आई थी, उन्होंने मुझे बताया कि राबी अपने एग्जाम से फारिग होना चाहती है एंड जस्ट आफ्टर दैट शी वांट्स टू गेट मैरिड। इज दैट ट्रू? अरे कुछ दिन तो रह गए उसके एग्जाम्स में, थोड़े से दिन हम आगे कर देंगे, डेट तो क्या हो जाएगा? फर्क तो तुम्हारी राबी से शादी ना होने पर भी नहीं पड़ेगा बेटा। What? ये क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हूँ, मैंने तो यही सुना था कि शादी के बाद मियाँ जो है अपनी बीवी के इशारों पे नाचता है। तुम तो अभी से उसके इशारों पे नाच रहे हो। उफ, प्लीज मम्मी, आप टिपिकल सास की तरह क्यों रिएक्ट कर रही हैं? क्यों? सास खौफ की अलामत होती?
माँ होती है ना वो भी, मैं भी माँ हूँ और हर माँ की तरह मुझे अपने बेटे पे हक चाहिए बस। मम्मी मैं आपसे इस तरह की बातें एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। कौन छीन रहा है आपसे आपका हक? आपका हक वही है, इट्स वेरी मच देयर। तुम छीन रहे हो ये हक। एक टाइम होता था जब तुम और मैं बैठते थे, बातें करते थे, डिस्कस करते थे, शेयर करते थे, वी यूज्ड टू डू थिंग्स टुगेदर। अचानक से ऐसा क्या हो गया? आई हैव चेंज्ड। कैसे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, राबी के कहने पर तुम उसके पेरेंट्स कह गए थे ना? हाँ, मैंने उसी के कहने पर उसके पेरेंट्स से बात की। उसकी ख्वाहिश है कि वो अपने एग्जाम्स दे, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो इस तरह सोच रही है। अगर वो अपने एग्जाम्स नहीं देगी, उसकी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी, और अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो ये ज्यादती नहीं होगी उसके साथ? मुझे तो अपनी इतने सालों की मेहनत जाया होती नजर आ रही है। आप इस तरह तो मत बोले, ऐसा क्या हो गया? अब भी तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या हो गया? इतना सब कुछ हो गया, क्या तुम्हें एहसास नहीं इस बात का? अपने रिश्ते के लिए तुम खुद चले गए उनके घर, उनको मजबूर करके उनको राजी कर लिया, शादी डिले कर ली, वो भी मुझे बगैर बताए हुए। Isn't that enough? मुझे तो लग रहा है मेरी कोई हैसियत ही नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, कोई अहमियत और हैसियत कुछ नहीं है। I'm nothing to you. I love you. That's not enough. आपसे तो मेरे लिए कोई अहम नहीं है। और आपको एक बात बताओ, आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। अच्छा, ऐसी बात है? चलो देखते हैं तुम मेरे लिए क्या कुछ कर सकते हो। ये शादी इसी महीने होगी, उसी तारीख पर होगी, वरना मैं होने नहीं दूंगी। मम्मी, मम्मी, सब खैरियत तो है ना फारिस बेटा? जी जी आंटी, सब खैरियत है। मुझे पता चला था राबी के एग्जाम्स करीब हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग उसे एग्जाम्स में तो अपीयर होने दें। मैंने मम्मी से इसलिए बात नहीं की कि मैं चाह रहा था पहले आप लोगों से बात कर लूं। राबी, इस फोन की जान छोड़ दो। ये देखो, ये तुम्हारी शॉपिंग की लिस्ट ठीक है ना? और कुछ ऐड तो नहीं करना इसमें? अम्मी को दिखा दो ये लिस्ट। शादी तुम्हारी है राबी, प्लीज ध्यान दो। बाद में मत कहना कि वो चीज रह गई, ये चीज रह गई। जहेज की खरीदारी? क्या तुम ऐसे रहे हो जैसे पता नहीं कितने ट्रक सामान की मेरे साथ करने? राबी, जो भी हमारी हैसियत है ना, उससे बढ़कर ही तुम्हें जहेज देंगे। अच्छी तरह से अंदाजा है हमें कि तुम गैरों में ब्याही जा रही हो। अच्छा अम्मी, मैंने ये लिस्ट बना लिया, आप भी देख लें एक दफा, कोई चीज रह ना जाए। अरे बेटा, मुझे लिस्ट दिखाने की क्या जरूरत है? तुमने बनाई है, ठीक ही होगी। अरे हाँ, बल्कि अपने लिए भी कुछ चीजें ले लेना। अम्मी प्लीज ना, अभी आप राबी की शादी की तैयारियां करें, मेरी फिक्र छोड़े। क्यों यूसरा, शादी का अजाब मेरे गले डालकर तुम क्यों खुद को इससे बचाना चाहती हो? हाँ, तौबा करो राबी, शुक्र करो रब का, खुशकिस्मत लड़की हो, इतने अच्छे वक्त पे तुम खैर से अपने घर की हो जाओगी। अपने घर की हो जाऊंगी या इस घर से चली जाऊंगी? अल्लाह जाने ये लड़की कब सुधरेगी। अम्मी आप इसके लिए परेशान ना हो, अपने घर जाएगी तो ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अब फारिस जाने और ये जाने, हमें क्या? अरे कैसे मैं परेशान ना हूं बेटा, ये इसी तरह इसकी जबान चलती रही ना ससुराल में, तो दूसरे दिन ये घर वापस आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा, आप बेफिक्र। वो कहती है कि मोहब्बत में साथ की नहीं एहसास की बात होती है। बिल्कुल ठीक कहती है वो। लेकिन मेरा जी तो चाहता है कि वो हर वक्त मेरे साथ हो। रहेगी हर वक्त भी, लेकिन अभी तो नहीं हो सकता ना शादी के बाद।
रामीन, उसने अपने इर्द गिर्द इतनी बाउंड्री सेट कर रखी है कि अगर मैं उसे कॉल करूं तो कॉल अटेंड नहीं करती, और अगर कर भी ले तो बहुत मुख्तसर बात करती है। और पता है, कभी उसे बाहर जाने का कह दो तो उसका मूड ऐसा हो जाता है जैसे मैंने कोई बहुत अजीब बात कह दी हो। वो ऐसी ही है साइम, और मोहब्बत में ये जरूरी है कि हम एक दूसरे के मिजाज का ख्याल रखें, अपनी ख्वाहिशात और मर्जी को एक दूसरे पे इम्पोज ना करें, इतनी स्पेस दें कि वो अपने कंफर्ट जोन में रह सके। और ऊपर से उसके घर का माहौल ऐसा नहीं है कि तुम जब चाहो उससे फोन पर बात कर सको, जब तुम कहो वो मिलने चली आए। तुम मेरी बहन हो और हमेशा उसकी साइड लेती हो, दैट्स नॉट फेयर। जब तुम्हारे साइड लेने की बारी आएगी तो तुम्हारा भी लूंगी, डोंट वरी। चलो इसी बात पे आज तुम्हें अपने हाथ से पास्ता बनाकर खिलाता हूँ। अच्छा, इसीलिए पास्ता की रेसिपीज देख रहे थे। बिल्कुल। भाई बोलो भी, क्या चाहिए तुम्हें? टहला दो। खुदा के लिए ऐसी बातें मत किया करो राबी। तो और क्या करूं? पता है जब मैंने कॉलेज में सबको बताया ना कि मेरी शादी होने वाली है, तो सबने पता है क्या कहा? कि तुम्हारे घर वाले तुमसे तंग है क्या? तुम लोगों की बातों पे कान मत धरा करो। क्यों? आप लोगों की बातों पे कान नहीं धरते क्या? आप लोगों ने तो लोगों की बातों से डर कर मेरे लिए इतनी बड़ी सजा तजवीज कर दी। अब इस बात का कोई मकसद नहीं है। आप लोगों ने जो तैयारियां करनी है ना करें, लेकिन मुझसे ना पूछा करें। मैं तुमसे तुम्हारी पसंद पूछ रही हूँ, जो चीजें तुम्हें चाहिए वो आ जाएंगी। चीजों में मेरी पसंद की अहमियत है, लेकिन जिंदगी के इतने बड़े फैसले में मेरी पसंद कोई मायने नहीं रखती। क्या मतलब? तुम्हारी पसंद अब भी जिंदा है? वो मोहब्बत है मेरी, वो मुझसे बेवफाई कर सकता है, लेकिन मैं तो हमेशा उससे वफाई करूंगी। बस कर दो रावी, बस अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। तुम्हें पता है, मुझे तो लगता है कि उससे भी बेवफाई करने पे किसी ने मजबूर किया होगा, वरना वो तो मेरे बगैर जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता था। अच्छा, किसने मजबूर किया होगा? कोई भी हो सकता है, तुम भी हो सकती हो। तुम्हारे पास इसका नंबर है ना? हो सकता है तुमने ही उसे मजबूर किया हो कि वो अपने पेरेंट्स को ना लेकर आए। अफसोस राबी, तुम्हारी इतनी घटिया सोच पे बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। तुम्हारी बहन ने जो बिजली गिराई है ना, मैं उनकी बेइज्जती नहीं करवा सकता था। मेरी बहन ने? वो क्या कह सकती है? यही कि ये शादी तुम अपनी मर्जी से कर रही हो और अब तुम मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। ऐसी बात नहीं है, गलत कह रहे हो तुम। मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो तुम्हारी बहन ने मुझे ऑफिस क्यों बुलाया? जितनी हम दर्द हो तुम मेरी, उसका तो मुझे यासर ने बता ही दिया। यार ये लड़की भी ना, बिलीव मी, शॉक होके रह गई थी। उसे तो अपने ख्वाबों का घर नजर आ रहा था, उसमें पागल होके रह गई थी वो। और तू उसे पागल होते हुए देख रहा होगा, है ना? तू कुछ भी कह, है तो वो बड़ी खूबसूरत। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे साथ भी वही होगा जो उस बकरियां चराने वाले के साथ हुआ था। रोज गाँव के लोगों को इकट्ठे करके कहता था शेर आ गया, शेर आ गया। क्या मतलब? मतलब ये कि राबी से मोहब्बत का डोंग कहीं वाकई मोहब्बत में ना बदल जाए। इतना भी नाजुक दिल नहीं है मेरा। यार यासिर, अगर वो किसी दिन डायरेक्ट तुझे उस घर पे मिलने आ गई ना, तो सारा बांडा फूट जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, और बगैर सोचे समझे मैंने कभी कोई काम नहीं किया। अब इंतजार मुझे इस चीज का है कि इस फेक लव स्टोरी का अंजाम क्या होगा। भाई होना क्या है, वही होगा जो हमेशा होता है। वो दुल्हन बन के किसी और के घर चली जाएगी और मैं किसी और को दुल्हन बना के ले आऊंगा और फिर से अपने ख्वाब दिखाने लगूंगा। वैसे जो फिल्मों में विलन होते हैं ना, उसे कहीं ज्यादा खतरनाक है तू। यार अब इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। बहुत बुरा है तू। बस तू देखता जा आगे आगे मैं करता क्या हूं। यासिर, तुम तो आराम से गहरी नींद सो रहे होगे,
और मैं अब तक तुम्हारी याद में यहाँ जाग रही हूँ। मेरी याद में? मैं तो बहुत खुशनसीब इंसान हूँ कि आप हमारी याद में जाग रही हैं। वैसे आप हमें याद क्यों कर रही थी? कुछ करो यार, देखो वक्त धीरे धीरे गुजर रहा है, अगर तुमने वक्त पे कुछ ना किया ना तो हमारे पास सिर्फ पछतावे रह जाएंगे। देखो मम्मी पापा का तो इंतजार करना ही होगा ना। इंतजार ही तो नहीं पॉसिबल। अब तुम सो जाओ, कल मिलते हैं। ये जल्दी क्या है? हेलो हेलो, किससे बात कर रही थी? अपने आशिक से। फारिस था यार, जिसे तुम सबने मिलके मेरे पल्ले बांध दिए। अगर फारिस था तो मेरी आवाज सुनते ही फोन क्यों बंद किया उसने? मुझे क्या पता, डर गया होगा यार। जिस तरह थानेदारों के तरह तुमने फोन छीने हैं ना, एक दिन वो भी घबरा गया होगा। फोन मिलाओ उसे, बात कराओ। मैं हाँ मिलाओ। मिलाती हूँ फोन, कहती हूँ कि मेरे घर वाले जानना चाहते हैं कि मैं इतनी रात गए किससे बातें कर रही थी, क्योंकि उनका ख्याल है कि मैं रोजाना लड़कों से ना रात को फ्लर्ट करती हूँ। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अंगूठी वापस ले लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठहरो, क्यों क्या हुआ? कर लो ना बात, कहीं नीचे शर्मिंदा कराने की तुम्हारी कोई हसरत दिल में बाकी ना रह जाए। करो जाकर सो जाओ अपने कमरे में, जाओ।